नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद रोज रोज नई नई खबरें आ रही हैं और जुर्मानों की राशियां बढ़ती जा रही हैं। मन चाहा वसूला कर रही हैं पुलिस। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही रोजाना चालान की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं कोई भारी राशि का प्रदर्शन करने के विरोध कर रहा है तो कहीं कोई चालान की राशि कारण अपने वाहन को आग के हवाले कर रहे हैं। चालान की राशि की खबर हर जगह चर्चा में है। इस बीच दिल्ली से अब तक के सबसे ज्यादा राशि के चालान का मामला सामने आया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 1,41,700 रुपए का चालान कटा है। राजस्थान के इस ट्रक मालिक ने दिल्ली रोहिणी में चालान की पूरी रकम भुगतान कर दिया है। ट्रक मालिक राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, जिसका दिल्ली में 5 सितंबर को ओवरलोडिंग होने की वजह से 70,000 रुपए का चालान काटा गया। वहीं ट्रक में ज्यादा माल लादने पर उसके मालिक 70,000 का और चालान किया गया। ट्रक मालिक का कहना है कि इसके अतिरिक्त लगभग 1,700 रुपए का चालान और किया गया। चालान की कुल राशि 1,41,700 रुपए हुई। जिन्होंने चालान की रकम तो भुगतान रोहिणी कोर्ट में कर दिया। बता दें कि बीते 1 सितंबर से देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद एक अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक ये खबर आ रही है कि 15,000 रुपए का चालान तो किसी का, 25,000 का तो किसी का, 60,000 रुपए का चालान कटा, लेकिन दिल्ली रोहिणी कोर्ट में सोमवार को 41,700 रुपए का चालान जमा कराने का मामला सामने आया है। देश में मोटर व्हीकल एक्ट को 10 से 15 दिन हो गए हैं। वाहन चालकों के नियमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण वह लगभग इस तरह की गलतियां कर रहा है। नए एक्ट के जुर्माने की राशि बढ़ोतरी होने के बाद देश में अलग अलग हिस्सों में मोटी रकम चालान के तौर पर आ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या और क्या ना करें। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ काफी सख्ती से पेश आ रही है। देश भर 1 सितंबर 2019 तक नया मोटर व्हीकल एक्ट, न्यू मोटर एक्ट लागू कर दिया गया है। इससे सारे देश की जनता इस वक्त परेशान चल रही है, क्योंकि सभी का ये कहना है कि चालान की राशि को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी ही खराब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग 10,000 रुपए की, अधिकतर लोग नौकरियां करते हैं, और अगर 15,000 रुपए के चालान कटेंगे तो कहां से वो अपने घर को चला पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।